आज हमारे बीच केंद्र सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहारवासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद है। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में, तो उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया टार पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं है, पहले नीचे ही। लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया टार। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। यह विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन बेशर्म होके फिर यही बात, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर र्यूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करेंगे। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं देखना दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी।
जो लोग जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेसरोलॉजी, तो इन थेसरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए कुछ ना कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आइए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ एक डेढ़ महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है।